BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सच मानो मैं वो काम में करने के कैपेसिटी में क्षमता में हूँ या नहीं हूँ, अवेयरनेस नहीं था ऐसा बोला जा सकता है। जी, ऐसा जुनून तो कभी भी नहीं देखा। मैं चालू कर दिया मैच्योरिटी 1 करोड़। मैं एक लव्य की आग जैसी आग दिखती है सर। फोन करता हूँ, भाई साहब मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, हीरो टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हीरो टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। हीरो टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से जिन्होंने सेकेंड जनरेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने काम को संभाला, और जब इंश्योरेंस का काम उनके हाथ में आया तो उन्होंने इंश्योरेंस के काम को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया। बहुत जोर शोर के साथ, बहुत जिंदा दिली के साथ अपने काम को उन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया है। इनका नाम मिस्टर सतीश जवर है और ये महाराष्ट्र के परभणी इलाके से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर सतीश जवर जी से और उनकी अब तक की कार्य की जर्नी क्या रही है उसके बारे में हम जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। सतीश जी, मैं आपका हीरो टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सतीश जी, धन्यवाद सर। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद। सतीश जी, आपकी कार्य की जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं। सतीश जी, आपने सेकंड जनरेशन जो है आप इंश्योरेंस के काम में आए हैं, तो क्या आपने डायरेक्ट इंश्योरेंस का ही काम करना शुरू किया या आपने उससे पहले कुछ और काम किया था? नहीं सर, मेरे घर पे मेरे माता जी के नाम से एजेंसी थी, तो मेरा जैसा ही 12th पास आउट हुआ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, उसी टाइम पर मैंने 2 साल तक 97 और 98 2 सालों तक मैंने मम्मी की एजेंसी में काम करके एक एक्सपीरियंस लिया कि सच मानो मैं वो काम में करने के कैपेसिटी में क्षमता में हूं या नहीं हूं, और जब समझा मुझे कि मैं ये कर सकता हूं तब जाके मैंने वो एजेंसी के लिए अप्लाई किया। परफेक्ट। तो इमीडिएटली 12th स्टैंडर्ड के बाद जो है आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम में आप कार्यरत हो गए, काम करना शुरू कर दिया। तो सतीश जी, जब आपने काम करना शुरू किया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो कैसे चल रहा था? आपकी पढ़ाई भी साथ में चल रही थी, कैसे हो रहा था ये? हाँ सर, BSc एग्री के मैं 3rd ईयर को था और मैंने उधर ये दिया, एग्जाम दिया। तब एग्जाम नहीं लगता था, शायद 20-25 रुपए का फॉर्म भर के कुछ करना पड़ता था, और मैं जैसा ही ये किया, एडमिशन खत्म, मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ और मैंने फुल फ्लेज उसमें काम करना चालू कर दिया। और फर्स्ट ईयर में मैं MDRT एजेंट बना सर, मेरे जिंदगी का एजेंसी का फर्स्ट ईयर और मैं डायरेक्ट MDRT बना। बहुत बढ़िया। हमारे नांदेड़ विभाग में वो एक विक्रम था उस जमाने में, 1998-99 में। क्या बात है। तो सतीश जी, जब आपने फुल फ्लेज काम करना शुरू किया, आपने अपने सामने टारगेट रख लिया होगा कि मुझे इतना काम करना है, इतनी मुझे अर्निंग करनी है, इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो क्या आपके मार्ग में कहीं कुछ बाधा आई बिजनेस को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआती दिनों में? बहुत बाधाएं आई सर, बहुत बाधाएं आई। बाधाएं मतलब लोगों को उस इंश्योरेंस के प्रति उतना अप्रोच पॉजिटिव नहीं था, लोगों को बीमा क्षेत्र में कुछ अपन ने कर इतना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए इसके लिए लोग तैयार नहीं होते थे, उसको अवेयरनेस नहीं था ऐसा बोला जा सकता है। तो लोगों ने हमको टालना, हमसे दूर रहना, या फिर हमने कोई बात बोली तो उसका इग्नोरेशन में रखना, ऐसा हमसे चालू था। और लोग ऐसे चाहते थे कि यार ये बंदा काहे को आता है, क्या बोलता है, हमको नहीं चाहिए, ऐसा एक माहौल था सर। ओके, तो इस ये माहौल में काम करना बहुत डिफिकल्ट था, तो कैसे आपने फिर इस माहौल में आपने किस तरीके से काम किया और बिजनेस को हासिल करना शुरू किया, क्या किया आपने उस वक्त? सर मैंने अपना एक रट्टा पकड़ लिया था, करोड़। अभी मैं पकड़ा कि भाई बाजार के अंदर ये बात कोई नहीं करता है, मैंने चालू कर दिया मैच्योरिटी 1 करोड़, आपको करोड़ दूंगा। जब मैंने सैकड़ों लोगों को जब करोड़ बोलना चालू करा, तो एक बंदा मिल गया मुझे जिसको करोड़ पसंद आया, और उसका पॉलिसी मैंने 1 करोड़ के लिए कंप्लीट किया और उसको सालाना प्रीमियम उसको 6 लाख रुपए आई। तो जब 6 लाख रुपए प्रीमियम आया उसको और मुझे 2 लाख मिले, तो मेरा उत्साह बढ़ गया
मेरे को समझ गया कि ये काम अब मैं कर सकता हूँ, और मैंने बाजार को एक नंबर चीज देना चालू कर दिया, करोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इस एक्टिविटी ने, ये जो घटना हुई, इसने आपको बहुत मोटिवेशन दिया होगा, बहुत मोटिवेशन दिया होगा, और डेफिनेटली ये मोटिवेशन आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा और भी कुछ करते थे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोई स्ट्रेटेजी थी आपकी? मैं कोई भी हालत में पब्लिक के बीच में रहना, ये मेरा ब्रांड रहता था, चाहे फिर शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे किसी की मौत हो, मैं उसका किस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करूं, यही मेरे दिमाग में चलता था कि मैं हर किसी के नजर में कैसा हूं। अगर स्मशान में जाते हो तो लोग पूछते थे, भाई इसका बीमा कितना था? अगर शादी में जाता था, नया करोड़ किसको बनाया है, लोग मुझे पूछते थे। तो मैं ऐसी कोशिश करता था, अगर किसी का सच में क्लेम हो जाता है, डेथ क्लेम हो जाता है, तो जब नॉमिनेशन को चेक लेके जाते हैं हम, तो उस टाइम पर उसका फोटो निकाल के मैं लोकल पेपर्स में डालता था कि इनको मैंने डेथ क्लेम दिलाया है LIC ऑफ इंडिया से। तो फिर पॉपुलैरिटी मेरे प्रति बढ़ते गई सर। क्या बात, बहुत बड़ी, काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी आपकी। तो सतीश जी, आपने बताया कि आपने 1997 से आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, आपका पहला कदम 1997 में था, सही बात है जी? 1997 से और अब जो है 2021 चल रहा है, तो इतने सालों में सतीश जी आपने कौन कौन से मुकाम को हासिल किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर, इंडस्ट्री का ऐसा कोई मुकाम नहीं है, जैसे कि हमारे तरफ सबसे हाईएस्ट क्लब मेंबरशिप है, दैट इज द कॉर्पोरेट क्लब। मैं 2007 से वो कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर हूँ, सक्सेसफुली आज तक मैंने कभी भी रस्ते में ब्रेक नहीं होने दिया है। नंबर दो, मैं मेंबर ऑफ टॉप ऑफ द टेबल हूँ, मैं 2010 से लेकर 2022 ये पूरे 13 सालों तक मैं कंटिन्यूएशन में टॉप ऑफ टेबल हूँ। मैंने जब से एजेंसी ली है तब से आज तक 23 टाइम्स कंटिन्यूएशन के अंदर $1 million MDRT हूँ। तो मैंने जो मुकाम LIC ऑफ इंडिया के एजेंट को रहते हैं, वो सारे मुकाम मैंने पूरे किए हैं सर, ईश्वर की कृपा, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, उससे भगवान ने मुझे बहुत प्यार किया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्राउड होता है सतीश जी ये सुनकर कि आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जितने बड़े मुकाम है सारे मुकाम को हासिल किया है, बहुत बढ़िया। तो आज की तारीख में सतीश जी आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं, कितने इम्प्लॉइज हैं, कितने ऑफिस हैं, कितने स्टाफ हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मेरे पास 3 ऑफिसेस है, एक औरंगाबाद जो मेरे शहर से 250 किलोमीटर पे है, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस हब है मेरे शहर से, और सेकंड मेरा शहर जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, और थर्ड मेरा ऑफिस जिंतूर तालुका में बोरी बोल के गाँव है, जहाँ का मैं मूल गाँव का हूँ। जब देहातों में हम पॉलिसियां बेचते थे, छोटी छोटी पॉलिसियां, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख, वो उन लोगों को सर्विस करने के लिए मैंने वहाँ ऑफिस रखा है। औरंगाबाद में मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, परभणी में मेरा ऑफिस है, और 35 एम्प्लॉय के साथ में मैं वो काम करता हूँ। 7,500 कस्टमर का बेस है मेरे पास, घर में 4 एजेंसीज है, एक मैं टॉप ऑफ टेबल हूँ, मेरा बच्चा डबल टॉप ऑफ टेबल है, मेरी माता MDRT है, और मेरे पिता के नाम से, ऐसे घर में 4 एजेंसीज है सर। और मैं हर कस्टमर को उसके छोटे से छोटे बात से लेके तो डेथ क्लेम तक हर बात का सपोर्ट करता हूँ, वो सर्विसेज देते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सतीश जी, आपने आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सारे बड़े मुकाम को हासिल किया, छोटे से छोटे मुकाम से लेकर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया, आज आपके 3-3 ऑफिसेज हैं, इतने सारे कस्टमर हैं, इतने सारे एम्प्लॉई हैं, क्या लगता है सतीश जी, आप में ऐसी क्या बात है, या आपके सोचने का क्या तरीका है, या काम करने का क्या तरीका है, जिसके वजह से आप लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक सो? सर, हम हमारे में जो पागलपन है, हमारे काम के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारे काम के प्रति हमारा जो जुनून है, और हमको सिर्फ एकलव्य की आग जैसी आग दिखती है सर, हमको सिर्फ कस्टमर दिखता है, उसके लिए कुछ भी कर लेते हम, कुछ भी। मतलब सर, अगर मुझे पार्टी ने बताया है कि आप, मेरे को टाइम नहीं है, तो मैं बोलता सर आप कहाँ है, वो बोलता मैं बंबई से पुणे जा रहा हूँ, तो सर मैं फ्लाई करके बंबई जाता हूँ, उसके गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी लगाता हूँ, वो जब भी उसको फोन करता हूँ, भाई साहब मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे है, सिर्फ तुम्हारे साथ चलते गाड़ी में बात कर लेंगे, तुम्हारा टाइम खुटी नहीं करूंगा। तो ऐसा करके हमारी इतनी तैयारी रहती है कि उसको कैसा भी करके उससे मिलना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, पूरे जुनून से, पूरे जुनून से।
सतीश जी, ऐसा जुनून तो कभी भी नहीं देखा ऐसा जुनून तो कभी भी नहीं देखा, ऐसी बात तो कभी भी नहीं सुनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। बहुत 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 जबरदस्त, बहुत बड़ी बात कही आपने। आपके काम करने का तरीका, आपका जज्बा डेफिनेटली आपको आगे ही लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। बहुत बढ़िया सतीश जी, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है, कोई ऐसी घटना आपको याद आती है जो आपको लगता है कि ये घटना हुई और उसके बाद से मैं लगातार ग्रो ही करता गया, मैंने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था सर? जब मैं करोड़ करोड़ों की बातें करता था कि करोड़ मिलूंगे, करोड़ देंगे, करोड़ मिलेंगे, तब एक बंदे ने मेरे से 1,25,00,000 की पॉलिसी की, उसका 6 महीने का इंस्टॉलमेंट भरा और पॉलिसी कंप्लीट होके 15 ही दिन हुए थे और मैं उसकी पॉलिसी जब डिलीवरी करने के लिए जा रहा था तो उसके बड़े भाई का मुझे फोन आया, अरे भैया अपना जो बड़ा बच्चा था प्रवीण एक्सपायर हो गया। कैसे गया? तो बोले भैया उधर वो केदारनाथ गया था और वहां उसका देहांत हो गया। तो सर वो क्लेम मैंने दिराने के लिए मेरी पूरी शक्तियां लगा दी, मैंने है वैसा जहां से था वहां से हैदराबाद, क्योंकि मुझे नियरेस्ट एयरपोर्ट हैदराबाद था, हैदराबाद पहुंचा 6-7 घंटे में, वहां से फ्लाई करके देहरादून गया, देहरादून के जहां हॉस्पिटल में अपना विसेरा रिपोर्ट निकालने का ये है चांस है, प्रोसीजर कर सकते हैं और पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जाके वो सब प्रोसेस कराया और नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर वो क्लेम हमने दिलाया। तो जब क्लेम मिलता है सर तो तुम्हारी चारों तरफ तारीफ होना चालू हो जाती है कि ये बंदा जो है ये कैपेसिटी में है और इसने ये काम पूरे ढंग से करके दिया। तो फिर मेरे प्रति लोगों का अप्रोच एकदम पॉजिटिव हो गया मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो फिर लोगों ने मुझे बड़ा काम देते समय आंखें मिट के देना चालू कर दिया। वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2003। अच्छा, 2003 में ये घटना हुई थी आपके साथ? जी जी सर। मतलब आपके करियर के करीबन शुरुआती दिन ही थे वो? बस 6 साल हुए थे सर, 6 साल हुए थे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और आपने वाकई में बहुत बड़ा जो है स्टेप लिया और इस काम को अंजाम दिया। मेरे ख्याल से किसी आम व्यक्ति के लिए शायद वो चूक कर जाता, अगर कोई आम व्यक्ति होता तो शायद वो चूक कर जाता इस काम को अंजाम देने, वो गलती कर सकता था, इसलिए फिर मैंने वैसा नहीं होना चाहिए इसलिए इतना भागदौड़ की। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सतीश जी, कोई ऐसी घटना आपको याद आती है आपके जीवन में जो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत डिफिकल्ट थी, इस सिचुएशन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आपने उस डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज किया हो, आपके बिजनेस में याद आता है कुछ? हाँ ना सर, एक व्यक्ति को मैंने 100 करोड़ का प्रपोजल दिया, उसने 100 करोड़ का प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि करेंगे। 100 करोड़ का प्रपोजल जाने के बाद LIC ऑफ इंडिया ने उसको सिर्फ 25 ही करोड़ दिया। अब पार्टी को मैंने तो ऊंट पे बैठा दिया कि तेरे को 100 करोड़ का पॉलिसी देंगे तो तेरे को 3 अरब मिलेंगे। अब वो बात आ गई सीधा 75 करोड़ मिलने की। तो पार्टी को उस दिन बहुत प्यार से बहुत संभल कर मैंने हैंडल किया और मैंने मेरा पूरा जो इंश्योरेंस एडवाइजर का पूरा फन था वो पूरा फन लगा दिया कि कुछ भी करके पार्टी का माइंड कूल करके ये 25 करोड़ का तुम्हें एटलीस्ट कंप्लीट करके ले लेंगे, बचे वाला 75 करोड़ रुपया तुम्हारा रिटर्न बड़ा भेजेंगे सर और कंप्लीट करके लेंगे, ऐसा उसका मानस बना के पॉलिसी पूरी करके लिया। बहुत डिफिकल्ट था, पार्टी इतना नाराज हो गया था कि मुझे पॉलिसी करना ही नहीं है जवर साहब, लेकिन उसका मैंने माइंडसेट बनाया कि सर 25 करोड़ भी कम नहीं होते है, कुछ नहीं था उससे 25 तो ठीक है, 100 भी करेंगे लेकिन थोड़ा उसको अब समय लगेगा, लेकिन अपन आने वाले 1-2 सालों में बचे वाला 75 करके ले लेंगे, ऐसा उसका माइंडसेट बना के फिर 25 करोड़ कंप्लीट करके लिया। क्या बात क्या बात, ये कब की बात है सतीश जी, कौन से साल की बात है? ये बात है सर 2019 की बात है। और अगर 2019 में आपका 100 करोड़ का प्रपोजल हो जाता तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती, बहुत बड़ी बात है। 5.5 करोड़ रुपए इंस्टॉलमेंट था सर बहुत बढ़िया, तो लिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 100 करोड़ का 100 करोड़ का बीमा बहुत कम लोगों ने किया होगा सतीश जी? बहुत 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 कम लोगों ने किया हुआ है सर, बहुत कम लोग, सब मिला के 10 लोग भी नहीं है पूरे कंट्री में, गिनती के ही कुछ लोगों, करेक्ट। तो अब सब मिला के 10 लोग। सतीश जी, अब आपका क्या विजन है, क्या टारगेट लेकर आप आज की तारीख में अपने बिजनेस कर रहे हैं? सर मुझे एक बार इंडिया में नंबर 1 आना है,
उसके लिए पूरी ताकत लगा दूंगा सर, पूरी शक्ति लगाए वाली भी है और लगा भी रहा हूँ सर। एक बार इंडिया में नंबर वन आया है, उसके बाद फिर मुझे मुड़ के देखने का काम नहीं है। वंस मैं खुद को प्रूव कर दूं तो मार्केट समझ जाएगा सतीश का कैपेसिटी क्या है, वो क्या दे सकता है। किताब तो सबको एक ही है सर, वो सवाल नहीं है। LIS ऑफ इंडिया के बायलॉज, उसकी पॉलिसी सब एक ही है, लेकिन पार्टी को चूज करना, उसको उसकी जरूरत बताना और उस जरूरत के हिसाब से उसको वो प्रपोजल डिलीवर करना, ये मेरा काम है और मैं 100% करके बताऊंगा। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो क्या कर रहे हैं सतीश जी आप देश के नंबर वन इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए, क्या कर रहे हैं आप? What are you doing for that? सर मैंने ऐसे लोग चुने हैं बाजार में के कि जो बड़ा प्रीमियम, जैसे कि करोड़ में प्रीमियम दे सकते हैं। मैंने ऐसे 10 से 15 कुटुंबों के बीच में हूँ जो लोग 10 से 15 करोड़, 5 से 10 करोड़ रुपया साल को भर सकते हैं। वो 15 लोगों में से सिर्फ 3 लोग अगर मिलते सर, मुझे सिर्फ मात्र 3 लोग चाहिए कि जो 5-5 करोड़ भर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, मैक्सिमम प्रीमियम 15 करोड़ के ऊपर एक एजेंट का नहीं रहता है जो इंडिया में नंबर वन है। तो ऐसे लोग मैंने चुने हैं सर। अब आप सबके आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, वो कारण से भगवान वो योग जरूर लाएगा सर मेरे लिए। परफेक्ट परफेक्ट सतीश जी, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल आपकी ये जो जर्नी है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल आपकी बातें हैं। बहुत मजा आया आपके साथ में बात करके। बहुत बड़ा आपने टारगेट लिया है देश का नंबर वन इंश्योरेंस एजेंट बनने का, लेकिन आपके लिए वो मुश्किल नहीं है जिस तरीके से आपने काम किया है, जिस तरीके से आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। और ये जो वीडियो बन के आएगा सतीश जी, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा। सतीश जी आपने अपनी करियर जर्नी के बारे में हमारे साथ में काफी सारी बातें शेयर की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सतीश जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।